महाराष्ट्र की सरकार बनते ही ऐसे लगा जैसे देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में कर दिया हो सर्जिकल स्ट्राइक। आपको बता दें कि कल रात तक ये इस बात की भनक किसी को कानों कान तक नहीं थी या कोई सोच भी नहीं सकता था कि आज देवेंद्र फडणवीस अजीत पवार के साथ मिलकर अपनी महाराष्ट्र में सरकार साबित कर देंगे, क्योंकि कल शाम तक ये कयास लगाए जा रहे थे कि एनसीपी कांग्रेस और शिवसेना मिलकर ये सरकार बनाएगी और कहीं ना कहीं इस सरकार के लिए मुख्यमंत्री के नाम पर उद्धव ठाकरे का नाम लिया जा रहा था। लेकिन आज कल जिस गलियारों में खुशी की लहर दौड़ रही थी, आज सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी शहर को हमारे सभी नगर सेवक सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं के देवेंद्र फडणवीस जी को और अजीत पवार जी को दोनों को ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं। आज देवेंद्र फडणवीस जी के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी क्या होगा पता नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आत्मविश्वास था कि सरकार तो भाजपा बनाएगी, कि शायद कुछ और निर्णय आएगा। लेकिन ये जो परिणाम आया इससे कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है, खुश है, और कार्यकर्ता यानी आम आदमी भी, जनता भी इस बात से खुश है कि नरेंद्र मोदी जी ने अमित शाह जी और देवेंद्र फडणवीस जिस तरह से देश और महाराष्ट्र का विकास किया इसको और गति मिलेगी। अगर मिली जुली सरकार बनती तो वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं होता, केवल बार बार उनके अंदर आपसी लड़ाइयाँ होती हैं और सरकार टिकती भी नहीं। लेकिन अब स्थिर सरकार मिलती है तो मैं आपके माध्यम से फिर एक बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी अजीत पवार जी को बधाई देता हूँ। धन्यवाद मैडम। विधानसभा के जो चुनाव हुए थे वहाँ पर जनता ने स्पष्ट गठबंधन को जनादेश दिया था, लेकिन उस जनादेश का अपमान हुआ कहीं ना कहीं। इस प्रदेश की जनता पिछले एक महीने से सरकार का इंतजार कर रही थी। इस प्रदेश में किसानों की समस्या है, बाढ़ पीड़ितों की समस्या है, आदि कई प्रकार की समस्या है, और एक महीने से सरकार बन नहीं पा रही थी। ऐसे में आज रातों रात जो सरकार बनी है वह स्वागत के योग्य है। व्यास जी, ये बताइए कि कल रात तक राजनीति की गलियारों में कुछ और बातें गूंज रही थी, अचानक ये बातें, या यूँ कहिए कि जहाँ पे ये एनसीपी कांग्रेस और शिवसेना मिलकर कांग्रेस बनाना चाह रही थी, उद्धव ठाकरे का नाम सामने आ रहा था, अचानक ये उलटफेर होने का क्या रीज़न हो सकता है? ये इंतजार काफ़ी समय से हो रहा था, लेकिन सरकार बन नहीं पा रही थी। राजनीति और क्रिकेट के मैदान में कुछ कहा नहीं जा सकता कि अंतिम समय क्या होगा। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं ऐसा बताया जा रहा है कि 18 MLA की कमी लिस्ट में कमी है, अभी तक बहुमत साबित नहीं कर पाई आपकी सरकार। वरिष्ठ जनों ने जो निर्णय लिया है वो कहीं ना कहीं सोच समझ कर ही लिया होगा, और ये खिचड़ी सरकार नहीं है। अभी तो मैं अपेक्षा करता हूँ कि स्थायी सरकार हो और जनता का भला हो। थैंक यू। राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, यही कहना चाहूँगी। मेरा भी विश्वास हो गया, क्योंकि सुबह जब हम लोग उठ के जो न्यूज़ देखी से ज़्यादा बहुत सारे लोगों के फ़ोन आए कि आप बिल्कुल जल्दी से टीवी ऑन करिए और देखिए न्यूज़ आ रही है, मुख्यमंत्री शपथ ले रहे हैं। तब तक अभी मेरे दिल में ये नहीं था कि फडणवीस जी ले रहे हैं, और अचानक जब उनको शपथ लेते हुए देखा तो मिक्स रिएक्शन था, आश्चर्य, एक सुखद आश्चर्य और आनंद का। किस तरह से लेते हैं आप इसको? कल तक एनसीपी कांग्रेस और शिवसेना जिस सत्ता का दावा कर रही थी, अचानक ये गेम पलटी हो जाती है, आप किस नज़रिए से देख रहे हैं इसको? मैं फिर कहती हूँ, वरिष्ठों का विषय है, इसमें क्या राजनीति कहाँ हुई, मैं बोलने के लिए बहुत छोटी हूँ और शायद उतनी मेरी समझ भी ना हो। लेकिन मैं फिर कहती हूँ कि एक बात पे पूरा विश्वास हो गया कि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, और वो समाचार सुनने के लिए अपने आप को तैयार रखिए। मैडम, पीछे प्रताप सरनाइक साहब की एक बाइट ली गई थी, उसमें उन्होंने बाइट में ये बोला कि मैं गीता मैडम से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो पालिका में जाएँ, अपना कार्यभार संभालें, लोगों को ज़रूरत है। क्या कारण है कि आप पालिका नहीं जाते? नहीं, मैं पालिका एक बार हो आई, कमिश्नर से मिल के भी आई, कुछ मुद्दे चर्चा भी की, जैसे रोड के लिए और दूसरी एक दो चीज़ों के लिए मेरी चर्चा भी हुई, और तब शायद एक दो अधिकारी एब्सेंट थे, तो मैंने और उन्होंने ये तय किया कि हम सब अधिकारी के साथ बहुत जल्दी बैठक लगाएंगे
पर आपको पता ही होगा, एक हफ्ते से कमिश्नर सर एब्सेंट थे यहाँ, वो छुट्टी पे थे फ्राइडे तक, फ्राइडे को आए शायद कल तक, तो उस हिसाब से वो पूरा हफ्ता हमारी वो मुलाकात नहीं हो सकी, जो कि ड्यू है अभी 25 तारीख मंडे को। और सर नायक सर भी आ रहे हैं, मेट्रो के विषय में हमें उस पर चर्चा भी करनी है, और मेरे बाकी के मुद्दे पर मैं वहाँ चर्चा करूँगी। मीरा भाईंदर, में कहीं ऐसे सुनने को मिल रहा है कि भाजपा के दो गुट हैं, क्या रोशनी डालेंगे? गुट जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। किसी को एज ए व्यक्ति, कोई एक व्यक्ति पसंद आ गया, उसको आप गुट वाइज नहीं कह सकते। उसके विचार, उसका वर्तन, वो पसंद आ गए, किसी को दूसरे को दूसरा पसंद आए, तो ये मानव स्वभाव है, इसमें गुटबाजी नहीं होती। तो ऐसा कोई गुट नहीं है, हम सब बीजेपी से हैं, बीजेपी के ही रहेंगे। चलिए वापस उसी सवाल पे, आखिरी सवाल ये है कि देवेंद्र फडणवीस साहब ने अपनी सरकार साबित कर दी, क्या मैसेज देना चाहेंगे? बहुत पॉजिटिव, मुझे बहुत आशा है उनसे। उन्होंने गए 5 साल भी बहुत सुंदर काम किया है महाराष्ट्र में। जब हम विधिमंडल की बैठक में थे तब भी उनकी उपलब्धियाँ गिनाते हुए, बहुत सारी उपलब्धियाँ गिनाई, और 5 साल सरकार टिकी, ऐसे भी बहुत रेयर केस बने हैं। तो ये भी एक उनकी उपलब्धि है, कोई ऐसा बड़ा स्कैम नहीं है उनके नाम पे, कोई ऐसा राइट्स नहीं हुए हैं। तो मराठा आंदोलन भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया, तो मुझे उनकी कुशलता पर कोई शक नहीं है, हमें खुशी होगी उनके नेतृत्व में फिर काम करने। आपने मुबारकबाद दी उनको? जी, मैसेज पे दे दी, बस अभी बॉम्बे ही जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे नेता आदरणीय मोदी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई शाह जी, हमारे कार्याध्यक्ष नड्डा जी, इन सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने फिर एक बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में मुझे सेवा करने का मौका दिया। मूल रूप से महाराष्ट्र की जनता ने एक बहुत स्पष्ट जनादेश दिया था, किंतु उस जनादेश को नकारते हुए हमारे साथ लड़ी शिवसेना पार्टी ने, हमारे साथ गठबंधन करने की जगह दूसरी ओर गठबंधन करने का प्रयास शुरू किया, और जिसके चलते महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। और महाराष्ट्र में कितना समय राष्ट्रपति शासन लागू हो, महाराष्ट्र जैसे एक अग्रणी राज्य को ये शोभा भी नहीं देता, और इसके चलते महाराष्ट्र को एक स्थिर शासन देने की आवश्यकता थी, कोई खिचड़ी शासन नहीं जहाँ पर 3 ऐसी पार्टियाँ साथ में आ जाए और कोई सरकार बना दे जो चल भी ना पाए। और ऐसे समय मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता श्री अजीत दादा पवार जी का अभिनंदन भी करना चाहूँगा, उनका आभार भी व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने यह निर्णय लिया कि महाराष्ट्र को एक स्थायी सरकार मिले, इस हेतु से वे भारतीय जनता पार्टी के साथ आएंगे। हमारे साथ में कुछ अन्य लोग भी आए हैं, और इसके चलते हमने हमारा दावा आदरणीय राज्यपाल जी को पेश किया। उस दावे की पुष्टि करते हुए आदरणीय राज्यपाल जी ने माननीय राष्ट्रपति जी से अनुशंसा की कि राष्ट्रपति शासन वापस लिया जाए, और राष्ट्रपति शासन वापस लेने के बाद आज यहाँ पर हमको माननीय राज्यपाल जी ने शपथ का निमंत्रण दिया। मैंने और श्री अजीत दादा पवार, इन्होंने शपथ ली है, मैंने मुख्यमंत्री पद के लिए है, उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद के लिए है, और मेरा विश्वास है कि महाराष्ट्र में एक स्थिर स्थायी इस प्रकार की सरकार हम लोग दे पाएंगे। 24 ऑक्टोबरला महाराष्ट्राच्या विधानसभेचे महाराष्ट्राच्या जनतेने काँग्रेस पार्टी शिवसेना महायुती स्पष्ट जनादेश 147 जागा लागणार सरकार बनवायला, 161 मिळाले, परंतु ह्या जनादेशाचा शिवसेनेने अपमान केला। आणि पहिल्या दिवसापासूनच अडीच वर्ष नव्हतं विषय सुरू, एकदाही बसून काय करायचं अडीच वर्षाचं चर्चा झाली नाही। आणि पहिल्याच पत्रकार परिषदेमध्ये आम्हाला सगळे ऑप्शन खुले आहेत असं समोर बघा सर, समोर बघा सर, समोर। त्यानंतर सातत्याने शिवसेना ही काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या भारतीय जनता पार्टीला भेटायला त्यांना वेळ नव्हता। महाराष्ट्रातल्या जनतेने हा पाहिला, भारतीय जनता पार्टीने शिवसेना बरोबर नसल्यामुळे सरकार स्थापन करण्याची शिवसेनेला निमंत्रण दिलं गेलं। मला असं वाटलं होतं, मी मुंबईकर आहे, शिवसेनेचे एकूण मुंबई मराठी हिंदुत्व या विषयातलं योगदान, बाळासाहेब ठाकरेंचं योगदान मला माहिती आहे। तर माझी अपेक्षा अशी होती की शिवसेनेला निमंत्रण मिळाल्यानंतर ज्या वेळेला एका अर्थाने काँग्रेस राष्ट्रवादीने त्याचं तोंड फुटलं,
त्यावेळा दुसऱ्या दिवशी उद्धवजी प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन काँग्रेस राष्ट्रवादीवर धुवाधार अटॅक करत अशी आमची सामान्य माणसाची अपेक्षा होती. पण ते झालं नाही. प्रेमांगीर वाढत गेलं. शेवटी महाराष्ट्रातली जनता जवळजवळ 80% जनता ही अवेळी पावसाने संत्रस्त आहे. वैद्यकीय विभाग बंद झालेला आहे. अशा स्थितीमध्ये महाराष्ट्राच्या जनतेचं असं म्हणणं होतं की शिवसेना काही करायला तयार झाली. शिवसेनेने हिंदुत्व सोडलं, स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना भारतरत्न पुरस्कार देणं या विषयातला आग्रह सोडला. पहिलं महाशिव आघाडी शिवाजी महाराजांनी पण सोडलं. जर सगळंच करायला ते मोकळे असले तर महाराष्ट्रातल्या जनतेच्या हितासाठी तुम्हाला सर्वात हायेस्ट जनादेश दिल्यामुळे तुम्ही सरकार फॉर्म केलं पाहिजे. हे सर्वसामान्य रिक्षावाल्याचं घरामध्ये काम करणाऱ्या मोलकरणीचं सगळ्यांचं मत होतं. आणि त्याप्रमाणे आज माननीय देवेंद्रजींनी शपथ घेतलेली आहे. संजय राऊतांची आता तरी बाबा बोलणं बंद कर ना बाबा. शिवसेनेची वाट लावली तू. एक सामान्य मराठी माणूस म्हणून जळलं मन आणि तरी सुद्धा उद्धवजी त्यांना आवडत नाहीये हे मला आश्चर्य वाटतं. संजय राऊतांच्या तोंडामध्ये पाटील खंजीर सोबत नाही. पाटील खंजीर उभसला तुम्ही. एकदाही चर्चेला बसायचं नाही. फ्रॉम द डे वन, फ्रॉम द व्हेरी सेम सेकंड आपली दिशा स्पष्ट करायची. शरद पवारांशी बोलणं करायचं, काँग्रेसशी बोलणं करायचं. अरे आम्ही मातोश्रीची गरिमा राखली. प्रत्येक वेळेला आमचे नेते मातोश्रीवर गेले. उद्धवजींना सिल्वर वॉकमध्ये जावं लागलं. एक वेळ सिल्वर वॉक ठीक आहे, शरद पवारचं निवासस्थान आहे, हॉटेलमध्ये जावं लागलं भेटायला. आणि कोणाला बाळासाहेब थोरांना भेटायला उद्धवजी बाहेर पडणार. आणि त्यामुळे एक सामान्य मराठी माणूस म्हणून आमच्या मनाला वेदना झालेल्या आहेत. संजय राऊत तुम्ही शिवसेनेची वाट लावली. संजय राऊत तुम्ही महाराष्ट्राची वाट लावली.